पर आज के मुकाबले की अगर हम बात करें तो आज T20 लीग में राजस्थान और पंजाब का मुकाबला है। राजस्थान की टीम इस जीत के साथ टॉप टू में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहेगी और दोनों टीमों ने आमने सामने अभी तक 27 मुकाबले खेले हैं। 27 में से 16 मैच राजस्थान ने जीते हैं, 11 मुकाबले पंजाब ने अपने नाम किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की टीम के 12 मुकाबलों में 8 जीत के साथ 16 अंक है। तो राजेश जी और वैशाली जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, यहाँ पर जॉस बटलर अब राजस्थान की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, वो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वापस चले गए हैं। राजस्थान को बटलर की कितनी कमी खलेगी? अब देखिए, ये टीम कॉम्बिनेशन ना टूट जाता है। आप एक कॉम्बिनेशन से खेल रहे होते और आप बहुत अच्छा करते हुए चले आ रहे। अब एक समय था जब वो टॉप में थे, अभी वो सेकंड पोजीशन में और वापिस वो टॉप में जाने के लिए फिर कोशिश कर रहे हैं। क्वालिफाई तो वो कर ही चुके हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस तो जरूर करेंगे, इतना आसान नहीं है। और अगर आप पहली टीम बनना चाह रहे हैं, पहली टीम बनने के जो फायदे हैं आप समझ सकते हैं कि मॉरल भी ऊपर हो जाता है सारे प्लेयरों को। और संजू ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने परफॉर्म किया है। तो बटलर को थोड़ा बहुत, सिर्फ बटलर ही हुआ, एक यही टीम नहीं, वो सारी टीमें जो आप क्वालिफाई करने के लिए 2-3 टीमें हैं, सारी टीमें कहीं ना कहीं जूझ रही है उन प्लेयरों अपने फॉरेन प्लेयर्स के नहीं रहने से। बहुत सारी टीमें हैं जिनके प्लेयर इंजरी और अपने वर्ल्ड कप के कारण सब चले गए। बिल्कुल वैशाली जी, आपको क्या लगता है जॉस बटलर की जगह क्या कोई नए बल्लेबाज को जिम्मेदारी मिल सकती है? ध्रुव जुरेल को ओपनर की तरह इस्तेमाल कर सकती है राजस्थान? मुझे लगता है कि उनकी जगह एक अच्छे प्लेयर की जगह तो हर कोई नहीं ले सकता है, बट हाँ कोशिश की जा सकती है कि हाँ उनकी जगह पे एक ऐसा बैट्समैन खिलाए जो एक टीम को सपोर्ट करे रन टारगेट चेस करने में या टारगेट बनाने में, टीम का सपोर्ट करे और अपनी बैटिंग जो वो करता है या जो भी आएगा उनकी जगह पे आज खेलेंगे तो उस मुकाबले में उनको अपने हिसाब से जो भी वो करते हैं बैटिंग बॉलिंग और ऑलराउंडर, इन तीनों पार्ट में से वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाने, और वही एक उनके पास मौका है दिखाने का कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं और हमें भी मौका मिलना चाहिए, तभी एक प्लेयर आगे उभर के आते हैं। तो ये एक कहते हैं कि ये एक उस प्लेयर के लिए जो भी आ जाएगा आज खेलेगा उनकी जगह पे, उनके पास एक ये मौका है अपने आप को प्रूव करने का। बिल्कुल, अपने आप को मौका होगा प्रूव करने का। राजेश जी, यहाँ पर पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में लियाम लिविंगस्टोन भी टीम का हिस्सा इस बार नहीं होंगे, उनकी कितनी कमी खलेगी पंजाब की टीम को? पंजाब की टीम को देखिए कमी तो खलने वाली है। पंजाब की टीम के पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ क्या बचा है अब तो। अब यह है कि वो एक अच्छी टीम को अगले पायदान में जाने से या उनको पॉइंट टेबल में आने से रोक सकते हैं, और इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। बाकी यस, जो चीजें उन्होंने खोई है मैच क्वालिफाई नहीं करके, तो उस चीज को कहीं ना कहीं जीत करके, अपने अपने जीत करके वो थोड़ा बहुत एक बोलते ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो रहता है। तो लिविंग स्टोन जो है उनके उनके टीम के एक अच्छे मतलब क्या बोलते, बहुत ही मतलब विश्वसनीय प्लेयर रहे हैं। तो तकलीफ तो होती है। देखिए अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चेन्नई के दो बॉलर, आज चेन्नई के दो बॉलर नहीं रहने से चेन्नई के बीच में ये हालत हो गई कि वो दो मैच लगातार हार, उनको दो मैच लगे वापिस अपने कमबैक करने के, अपने बॉलरों को सेट करने के। लेकिन क्या है, धोनी एक्सपीरियंस प्लेयर, एक्सपीरियंस कैप्टन, जल्दी कर गए, क्विक रिएक्शन में कर गए, ये चीजें अच्छी हैं। तो वैसे ही पंजाब की अब देखते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन कमी तो खलेगी, नजर रहेगी और यहाँ कमी जरूर खलेगी, लिविंगस्टोन नहीं है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका और साथी वैशाली जी आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।